राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज आप लोगों के साथ में अपनी एक ऑनलाइन प्लांट शॉपिंग शेयर करना चाह रही हूँ। कुछ प्लांट्स हैं जो बहुत ही रिजनेबल रेट पे मुझे मिले हैं, और ये जो प्लांट्स हैं वो मैंने कोलकाता से ही मंगवाए हैं, वहाँ की एक नर्सरी से। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस था इन प्लांट्स का सभी का, और बहुत अच्छे लगे थे मुझे तो मंगवाए हैं। ये देखिए, आज ही मुझे पार्सल रिसीव हुआ है। तो अब ये देखना है कि प्लांट्स कैसी कंडीशन में आए हैं या कैसे प्लांट्स मुझे मिले हैं। तो चलिए पार्सल ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके के प्लांट्स हैं वो मुझे मिले हैं। तो सबसे पहले इनको कट करके मैं निकाल देती हूँ, एक बार कट कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके के प्लांट्स हैं। काफ़ी पैक किया है इन्होंने, तो एक बार ओपन कर लेते हैं इसको पूरा, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओपन कर लिया है इसको, और अब इसमें से हटाते हैं ये इसका पेपर और देखते हैं कि कैसे प्लांट्स आए हैं, क्या आए हैं, क्या इन्होंने पैकिंग करके दिए हैं। अच्छा, ये मैंने टोटल इनसे 8 प्लांट्स मंगवाए थे, और 8 प्लांट्स इन्होंने किस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इन्होंने हर एक प्लांट को पेपर में पैक किया है। तो ये देखते हैं। ये देखिए, इन्होंने हर के ऊपर ये ऊपर पेपर लगाया है। और पहले मैं एक बार इनको सबको रख लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि कैसे क्या प्लांट भेजे हैं इन्होंने। और एक बार सारे जो प्लांट्स हैं उनके हटा लेते हैं अपन ये पेपर, और उसके बाद देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या चीज़ आई है क्या नहीं आया। ये देखिए, मेरे टोटल 8 प्लांट्स मैंने इनसे मंगवाए थे। कुछ अलग अलग डिफरेंट से प्लांट है, कुछ फ्लावर प्लांट्स भी हैं, और क्लेथिया का मंगवाया था और कुछ और है। तो अभी एक बार इनको मैं सबके पेपर हटा देती हूँ, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्या प्लांट। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे जो मेरे प्लांट्स हैं वो ओपन कर लिए हैं, और देखिए मुझे इनके प्रॉपरली नाम याद नहीं है। ये है येलो गंधराज है, ये मैंने एक येलो गंधराज का लिया था, और थोड़ा ठीक है प्लांट, अभी थोड़ी ग्रोथ भी है और प्लांट की कंडीशन भी इतनी ख़राब नहीं है, अच्छा है पैकेजिंग में होने के बावजूद, तो ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। दूसरा ये किस चीज़ का प्लांट है, ये शायद पर्पल कलर का गुड़ल का प्लांट है, वो मैंने एक पर्पल कलर के गुड़ल का प्लांट जो है वो परचेज किया था, तो शायद ये वो होना चाहिए। आई थिंक मुझे इनसे नहीं पता चल रहा है कि क्या चीज़ है, और कुछ के मुझे नाम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उनके साथ में मैं उनके नाम भी ऐड कर दूँगी। ये भी कोई फ्लावरिंग प्लांट ही है, और इसका जो नाम है वो मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं इसके साथ में आपको ऐड कर दूँगी कि बता दूँगी कि ये किस चीज़ का प्लांट है। तो ये भी थोड़ा हेल्दी प्लांट आया है, अच्छा। उसके बाद में ये देखिए, ये एक प्लांट, ओह माय गॉड, इसकी कंडीशन ये देखिए, सारी पत्तियां गिर गई हैं, और कंडीशन फिर भी थोड़ी ठीक है। चलिए ऊपर से इसको वापस से, क्योंकि पैकेजिंग में आते हैं तो कभी कभी प्लांट जो होते हैं वो थोड़े से ख़राब से हो जाते हैं, बट इतना भी नहीं है कि इसको सही नहीं कर सके, तो ये मैं कर लूँगी सही। बस इस प्लांट की जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन है, ये देखिए। ये एक कुछ अलग वेराइटी थी, और प्लांट बहुत ही गंदी कंडीशन में आया है, फंगस पूरा हो गया इसके अंदर, ये देखिए हर जगह से ऐसे फंगस लगा हुआ है। तो ये तो मुझे लगता है कि सिंगोनियम टाइप का ही कुछ प्लांट था, लेकिन और कुछ अलग ही था, लेकिन ये तो इसमें कुछ अलग दिख रहा है, अगर हो सकेगा तो शायद सही हो जाए। ये देखिए इस तरीके के इसके पत्ते थे ये वाले, तो आई थिंक इसको करेंगे सही कि हो जाए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जो प्लांट है वो क्लेथिया का मैंने मंगवाया है एक, और ये देखिए क्लेथिया प्लांट, ये 85 रुपीज़ का ही मुझे मिला है। ठीक है, इसकी भी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, थोड़ा एक दो लीव्स हो गई है, बाकी अच्छी है इसकी कंडीशन, तो ठीक है। ये एक प्लांट है, ये भी कोई फ्लावरिंग प्लांट ही है आई थिंक, मुझे इसका नाम नहीं पता है, लेकिन मैं आपको चेक करके एक बार और बता दूंगी, क्योंकि कुछ अलग वेराइटियाँ उनके पास थी और मुझे पसंद आए और मैंने मंगवा लिए थे प्लांट्स, अभी नाम नहीं पता है मुझे, तो ये ठीक है।
ये मैंने मनी प्लांट जो है ये वाला जो इस टाइप वाली जो मार्बल नहीं मार्जिनो ऐसे करके मनी प्लांट आती है वो मैंने उनसे मंगवाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे इसमें ये देखिए ये सिंपल वाली जो है वो मनी प्लांट उन्होंने मुझे दे दी है। तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये शायद सही से नहीं आया है। और ठीक है, अब ओवरऑल अगर मैं कहूँ सारी शॉपिंग के लिए तो ठीक है कि हाँ चलिए चल जाएगी, इतना भी वो हम सोच सकते हैं कि हाँ चलिए ठीक है शॉपिंग। एक प्लांट को जो ये एक प्लांट मेरा है ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है, बाकी की पैकेजिंग वगैरह में अच्छे हैं, प्लांट हेल्दी है। और उसका मुझे भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने ये वाला प्लांट कैसे भेजा है। बाकी देखिए सारे प्लांट हेल्दी भी हैं, अच्छे भी हैं, और ग्रोथ भी सबके अंदर आ रही है, और सारे अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट है कुछ और हैं, सारे अच्छे आए हैं। तो अगर ये मैंने कोलकाता की कोई नर्सरी है और उनसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बाय किए हैं, मैं उस उनके जो नंबर है वो अपने इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप भी उनसे बाय करना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए।